हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू डीसीए। सो बेटा, जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने एनडीए 2020 के कुछ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो मेरे अकॉर्डिंगली हम अंडर 30 सेकंड्स बड़े इजीली सॉल्व कर सकते थे, राइट। तो बेटा, आज की वीडियो में भी मैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ एनडीए 2020 में से जो मेरे अकॉर्डिंगली हम अंडर 30 सेकंड्स बड़े इजीली सॉल्व कर सकते थे, राइट। और आप उन क्वेश्चंस को देखिए बेटा, मैं सॉल्व करता हूँ अभी आप लोगों के लिए, और सॉल्व करने के बाद आप खुद एनालाइज कीजिएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ कि भाई ये क्वेश्चन हम अंडर 30 सेकंड सॉल्व कर सकते थे, क्या वो बात सही है या नहीं है, राइट। बट प्रोवाइडेड, मैं दोबारा से बोलना चाहता हूँ बेटा, क्वेश्चंस को जो सॉल्व करना है अपने को, जो मैं सॉल्व करूंगा, उनके लिए आपको बेटा थ्योरी जो है बेसिक वो अच्छे से आने चाहिए। क्वेश्चंस की जो फॉर्मूले हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो अच्छे से आने चाहिए। ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ, कॉन्सेप्ट्स अगर मालूम है तो आप इन क्वेश्चंस को बड़े इजीली सॉल्व कर पाएंगे, राइट। और बेटा, जब मैंने 2020 का पेपर देखा एनडीए, तो उसको देखने के बाद मेरा जो एनालिसिस है कि मतलब जो आइडियल प्रिपरेशन होनी चाहिए एनडीए के लिए वो क्या होनी चाहिए, तो डेफिनेटली मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा, स्पेशली फॉर एस्पिरेंट्स ऑफ 2021, कि आपको जो एनडीए की प्रिपरेशन है मैथ्स के लिए कैसी रखनी चाहिए, क्या टॉपिक करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, राइट। तो व्हाट इज द आइडियल टाइम, कितने टाइम की प्रिपरेशन होनी चाहिए, राइट। तो बेटा, क्वेश्चंस करते हैं स्टार्ट और फिर एंड में डिस्कशन करते हैं कि एनडीए की जो तैयारी है 2021 के लिए आपकी कैसी रखनी चाहिए, राइट। चलिए बेटा, क्वेश्चंस करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला जो बेटा क्वेश्चन था वो था मैट्रिसेस का। वो बोल रहे हैं आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, जिसका ऑर्डर है 3x5, और एक मैट्रिक्स दे रखा है बी, जिसका ऑर्डर है 5x3, राइट। और आपसे वो पूछ रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इनटू बी, मतलब जब हमने ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो उसका ऑर्डर कितना है। तो बेटा, जब मैं ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मेरे पास पहला मैट्रिक्स ए आया है, तो बेटा मुझको ए इनटू बी का ऑर्डर चाहिए, तो वो हम कैसे उठाते हैं, जो पहला मैट्रिक्स आता है बेटा उसकी नंबर ऑफ रोज उठा लेंगे, और जो दूसरा मैट्रिक्स आएगा उसकी नंबर ऑफ कॉलम उठा लेंगे। तो मेरे पास ए इंटू बी का ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3x3। सिमिलरली बेटा, अगर मैं बात करूं बी इंटू ए, अब मैंने बी इंटू ए को मल्टीप्लाई किया है और मुझे बी इंटू ए का ऑर्डर चाहिए बेटा, तो कैसे निकालेंगे। बेटा पहले मेरे पास मैट्रिक्स कौन सा आ गया, बी आ गया, तो बी का मेरे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 5, और दूसरा मैट्रिक्स कौन सा आया बेटा, ए आया, और ए के नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं बेटा, 5, तो बी इंटू ए का बेटा ऑर्डर कितना आ जाएगा मेरे पास, 5x5। ओरली करने वाला क्वेश्चन था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास बेटा, दैट इज फ्रॉम बायनोमियल्स चैप्टर, उसमें वो बोल रहा है आपको दे रखा है सी 20n+2 इज इक्वल टू सी 20n-2। तो वो आपसे पूछ रहा है कि n की वैल्यू क्या होगी बेटा। बेटा पहली बात तो ना आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। अगर कहीं पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है सी एन कॉमा आर, तो इसका मतलब होता है एन सी आर, राइट। तो मतलब एनसीआर को लिखने का ये भी तरीका है, सी के ब्रैकेट साथ में क्या है, एन कॉमा आर, राइट बेटा। तो इसी चीज को यूज करके पहले हमारी जो इक्वेशन है उसको बना लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20cn+2 इज इक्वल टू 20cn-2, राइट बेटा। अब बेटा इसका दो मतलब है। पहला मतलब क्या है, या तो जो सी के पैर में दो नंबर लिखे हुए वो बराबर होने चाहिए, राइट। यहाँ पे बेटा इसका मतलब क्या है कि जो C के पैर में दो नंबर लिखे हुए हैं n+2 और n-2, उनका जो सम है वो C के जो सर पे नंबर लिखा हुआ उसके बराबर होना चाहिए, राइट। ये दो मतलब बनते हैं बेटा। तो हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। जो मैंने पहली क्वेश्चन सॉल्व की बेटा, तो एनसीएम कैंसिल हो रहा है, क्या आ रहा है हमारे पास, 2 is equal to -2, विच इज, इसको हम कर देंगे नेग्लेक्ट, बिकॉज 2 is equal to -2 कभी होता ही नहीं है। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2n is equal to 20, और एन की मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। ये बेटा मेरे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का, n is equal to 10, राइट। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा हमारे पास क्या था, अनदर सिंपल क्वेश्चन। वो बोल रहा है आपको वर्ड दे रखा था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, आपको वर्ड दे रखा है एबल। वो बोल रहा है इस वर्ड के कितने नंबर ऑफ परमुटेशन होंगे सच दैट जो वॉवल्स हैं दे ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस बेटा। तो 4 प्लेसेस है बेटा आपके पास। इवन कौन कौन सी है, ये ऑड प्लेस है बेटा, ये इवन प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, ये अचानक मैं नंबरिंग कर लूंगा, मान लीजिए हम इसकी नंबरिंग करते हैं, तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4। तो बेटा ये हो गई इवन प्लेस, राइट, इनकी पोजीशन इवन है, और ये हो जाएगी ऑड प्लेस। तो बेटा मुझे इवन प्लेसेस पे दो वॉवल्स को अरेंज करना है, कितने वेज में करेंगे, 2 factorial ways में, राइट। और जो बेटा बाकी के दो कॉन्सोनेंट्स बच गए उनको आप ऑड प्लेसेस पे अरेंज कर देंगे, कितने वेज में, 2 factorial ways में। आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा बेटा, राइट। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा।
फोर्थ क्वेश्चन वो बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फाइव नॉन ओवरलैपिंग सर्कल्स। आपको पांच नॉन ओवरलैपिंग सर्कल्स देखे हैं। नॉन ओवरलैपिंग वर्ड का मतलब क्या होगा कि भाई सर्कल्स जो है वो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक सर्कल के ऊपर हमने दूसरा सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये पहला सर्कल आ गया और फिर हमने इसी के ऊपर एक दूसरा सर्कल ड्रॉ कर दिया, ऐसा नहीं करना। क्योंकि अगर ऐसा कर देंगे तो बेटा नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, इनफिनिट हो जाएंगे, राइट। तो ऐसे सर्कल नहीं है, नॉन ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है, सॉरी सर्कल्स आर नॉन ओवरलैपिंग, राइट। तो बेटा एक बात समझिए यहाँ पर, अगर बेटा मैं कोई भी दो सर्कल्स को करवाता हूँ इंटरसेक्ट, मेरे पास कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, राइट। हर एक जब भी मैं दो सर्कल्स को करवाऊंगा इंटरसेक्ट, मेरे पास दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, ठीक है। तो बेटा हमारे पास पांच सर्कल्स हैं, पांच में से आप कोई भी दो सर्कल्स को सिलेक्ट कर लीजिए, कितने बेस में करेंगे, फाइव से टू बेस में करेंगे। ये तो मेरे पास नंबर ऑफ सिलेक्शन आ गए पांच में से दो सर्कल्स की, और हर एक सिलेक्शन में से बेटा मेरे को कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं इंटरसेक्शन के, दो मिल रहे हैं। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, फाइव से टू कितना होता है, टेन, टेन इंटू टू क्या आंसर आ जाएगा, ट्वेंटी। तो मेरे पास कितने, मतलब मैक्सिमम हमको कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिल पाएंगे फाइव नॉन ओवरलैपिंग सर्कल्स में से, दैट इज 20। अनदर सिंपल क्वेश्चन, डेफिनेटली कॉन्सेप्ट आना चाहिए था, राइट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में से, फटाफट से देखते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, वो बोल रहा है हमको मॉडुलस निकालना है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, इसका मॉडुलस निकालना है। कॉम्प्लेक्स नंबर न्यूमिनेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो बेटा न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का आपको मॉडुलस निकालना है। इसका मतलब क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे कि न्यूमिनेटर का मॉडुलस अलग निकालेंगे, राइट, डिनोमिनेटर का मॉडुलस अलग निकालेंगे। अब बेटा मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो रियल पार्ट है कॉस थीटा, इमेजिनरी पार्ट है साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन, वन का स्क्वायर रूट वन, डिनोमिनेटर में भी वन, आंसर कितना आ गया वन, सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सर्कल्स का इक्वेशन, सर्कल्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है एक्स माइनस टू ए इंटू एक्स माइनस टू बी प्लस वाई माइनस टू सी इंटू वाई माइनस टू बी इक्वल टू जीरो। वो बोल रहे हैं सर्कल की जो इक्वेशन दे रखी है इसका सेंटर क्या होगा। बेटा ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये आपको सर्कल की डायमेट्रिक फॉर्म दे रखी है, ठीक है। डायमेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या है कि आपको ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं ये आपको सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे रखे हैं। मतलब अगर ये आपका सर्कल है, ठीक है, तो एक डायमीटर का एंड पॉइंट क्या है 2a, 2c और दूसरा एंड पॉइंट क्या है 2b, 2d। तो बेटा आपको क्या निकालना है, आपको इस सर्कल का सेंटर निकालना है। तो बेटा जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं उनका जो मिड पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी कॉमा सी प्लस डी। ये अपना बेटा आंसर हो गया, कौन सी ऑप्शन थी, आई गेस सी ऑप्शन थी हमारे पास, राइट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में बेटा वो क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड है सिंपल। वो बोल रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स एक्स निकालना है आपको, इसके रिस्पेक्ट में कॉट इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में ये निकालना है आपको। टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकाल लिए विद रिस्पेक्ट टू कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, मतलब क्या है, टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1/1 + x2, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा -1/1 + x2, कैंसिल आउट, क्या आंसर आ गया -1। कितना मुश्किल क्वेश्चन था, अगेन फॉर्मूला आता है तो हो जाएगा, कुछ भी मतलब मैनिपुलेशंस नहीं है, आप खुद देखिए, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, लिमिट्स का क्वेश्चन है बेटा, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वो बोल रहे हैं लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू वन एक्स प्लस x2 प्लस x3 अपॉन x-1। तो बेटा जब आप इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो आप देखेंगे आपके पास बन जाएगी 0/0 फॉर्म, विच इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म।
और बेटा इनडिटर्मिनेट फॉर्म अगर 0/0 हो या फिर इंफिनिटी/इंफिनिटी हो तो हम क्या अप्लाई कर देंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो बेटा जब हमने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया उसमें क्या होता है एल हॉस्पिटल रूल में कि अगर आपके पास 0/0 फॉर्म बन गई, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव निकाल लिए, तो मैंने जब x² + x² + x³ - 3 का डेरिवेटिव निकाला तो आई विल गेट 1 + 2x + 3x² / x - 1 डेरिवेटिव 1। अब बेटा ये बहुत अच्छी फॉर्म है, कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही, सिंपल वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। जब हमने वैल्यू पुट की इसमें x की वैल्यू 1 पुट की तो क्या आ जाएगा 1 + 2 + 3 विच इज 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगेन बेटा सिर्फ ऑब्जर्व करना था, पुट करके 0/0 बन रहा है, डेरिवेटिव निकालना था, आंसर पुट करना था, राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेटा। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। अगला बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। क्वेश्चन में वो हमको बोल रहा है कि हमारे को 2 बॉयज दे रखे हैं और 2 गर्ल्स दे रखी हैं और हमको यहां से कमिटी बनानी है जिसमें हमको 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, और सच दैट कि हमारे को कमिटी में 2 बॉयज मिल जाए और 1 गर्ल मिल जाए। तो मतलब ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी बेटा क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। बेटा टोटल आउटकम्स का मतलब क्या है कि भाई टोटल हमारे पास 4 लोग थे, 4 में से कोई 3 लोग सिलेक्ट कर लो तो हम 4C3 वेज में कर लेंगे। और फेवरेबल बेटा क्या है कि उसमें जो 3 लोग हमने सिलेक्ट किए 2 बॉयज होने चाहिए 1 गर्ल होनी चाहिए बेटा। तो बेटा 2 बॉयज में से 2 बॉयज सिलेक्ट करने हैं कितने वेज में करोगे, 2C2 वेज में, और 2 गर्ल में से 1 गर्ल करनी है बेटा सर कितने वेज में करोगे, 2C1 वेज में। तो बेटा 2C2 कितना होता है 1, 2C1 कितना होता है 2, 4C3 कितना होता है 4, क्या आंसर आ जाएगा 1/2। सिंपल क्वेश्चन। अब बेटा इसमें क्या है ना, कुछ बच्चे इसकी कैलकुलेशन में टाइम लगाते हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि एटलीस्ट जैसे मतलब 4C वैल्यूज आती हैं, 4CR, 5CR, 6CR और 7CR और 8CR, बेटा इनकी ना कम से कम वैल्यूज याद रखिए अगर आप ऐसे क्वेश्चंस फटाफट से सॉल्व करना चाहते हो, बिकॉज बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं। जैसे अगर मैंने बोला 5CR की वैल्यू याद रखिए, 5CR का मतलब क्या है, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, ये वैल्यू याद होनी चाहिए। आप अगर आप बोल रहे कि सर हम इतना ऐसे याद करेंगे, तो मैं आपको फ्रेंकली बताता हूं कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, राइट। तो चलिए बेटा एक आखिरी क्वेश्चन और देख लेते हैं, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट। वैसे तो मतलब जब टॉपिक पढ़ाया जाता है ये क्वेश्चन का तो बताई जाती है ये बात जो क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है, बट इनकेस अगर हमको नहीं भी पता होती वो बात तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते देखिए। बेटा क्वेश्चन में पूछ रहा है आपने को, 10th क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं आप लोगों के साथ, आपको एक फंक्शन दे रखा था मॉडुलस फंक्शन x-1, वो बोल रहा है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, और उसने बोल रखा है कि जो x है इट बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज, राइट। तो बेटा अगर मुझको मिनिमम वैल्यू चाहिए x mod of x-1 की, अब बेटा इतना पता है ना कि मॉड है, मॉड मतलब नेगेटिव तो आ सकती वैल्यू, तो इतना बेटा बताया जाता है कि जब मॉड फंक्शन हमको पढ़ाया जाता है कैलकुलस में तो जो बेटा मॉड फंक्शन होता है ना उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है, 0 से छोटी वैल्यू हो ही नहीं सकती है। अब मान लीजिए कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमको ये नहीं पता, अगर बेटा नहीं भी पता देखो तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली हम इसका कैसे आंसर निकालते हैं, हमको जो ऑप्शंस दी गई थी, ऑप्शंस क्या दी गई थी, a0 b1 c2 d-1। अब बेटा ध्यान से देखिए ये जो ऑप्शन d-1 है ये तो वैसे ही नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, नेगेटिव वैल्यू आ गई, मॉड की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती। अगली ऑप्शन कैसे करें रूल आउट, वो बोल रहे हैं मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, बट अगर इस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन की मिनिमम वैल्यू 2 है तो इसका मतलब क्या है कि भाई 2 से छोटी वैल्यू इसकी हो नहीं सकती है। अब बेटा ऐसा सोचो कि मैं x को यहां पर ऐसा क्या पुट करूं ताकि वैल्यू 2 से छोटी आ जाए, सोचो। अब बेटा यहां पर अगर मैं x को 1 पुट कर दूं, अगर मैं यहां पर x को 1 पुट कर दूं तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1-1 0। तो मतलब मेरे पास इस फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई, तो मतलब मिनिमम वैल्यू ना तो 2 हो सकती है और ना ही 1 हो सकती है, क्या बच गया, इकलौता आंसर बच गया 0, आंसर आ गया, राइट। तो अगर नहीं भी पता था तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको छोड़ना नहीं चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, राइट।
अब बेटा अगर अब बात करते हैं पेपर के एनालिसिस की और कि एनडीए 2021 के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो बेटा जैसे मैंने लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, आज की वीडियो में मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो बहुत ही वाइड वैरायटी के चैप्टर्स में से हैं। हमने परमुटेशन का क्वेश्चन डिस्कस किया, बायनॉमियल का क्वेश्चन डिस्कस किया, फिर हमने डिस्कस किया क्वेश्चन मैट्रिसेस का, फिर हमने क्वेश्चन डिस्कस किया प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, फंक्शंस, लिमिट्स का, राइट। तो बेटा मेरे जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि पूरे पेपर में ना आपको हर एक चैप्टर में से आसान क्वेश्चन भी मिल रहा है और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी मिल रहा है, राइट। और अगर हम देखें 120 क्वेश्चंस आते हैं बेटा, 120 क्वेश्चंस में हमारे पास चैप्टर्स कितने हैं, 35 एट मैक्स, राइट। अगर आप एवरेज लगा के देखोगे बेटा, ऑन एन एवरेज हर चैप्टर में से 3 से 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब क्या है, एक क्वेश्चन आसान आ जाएगा, दो मॉडरेट आ जाएंगे, एक थोड़ा डिफिकल्ट आ जाएगा, राइट। तो कुछ बच्चे जो स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि भाई दे विल फोकस मोर ऑन फ्यू चैप्टर्स, कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स में वो बहुत अच्छे लेवल की तैयारी कर लेंगे, एक्सट्रीम लेवल पे चले जाएंगे कि अगर वो पेपर जेई मेन्स का देने जाए तो उसमें भी क्वेश्चंस क्रैक कर लेंगे, लेकिन कुछ चैप्टर्स को वो टोटली इग्नोर कर देंगे, राइट। विच अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। फॉर मी स्ट्रैटेजी शुड बी कि आप पूरे सिलेबस को एक मिनिमम बेसिक लेवल तक तो आप गो थ्रू करके ही जाइए, ताकि जो हर चैप्टर में से आसान क्वेश्चन आ रहा है एटलीस्ट आप वो अटेम्प्ट करके जाएंगे, राइट। और ऐसा नहीं है कि आपने अगर पूरा का पूरा एक टॉपिक पूरे के पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर रखा है, थ्योरी पोर्ट पढ़ रखी है, फॉर्मूले आपको सारे 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 अच्छे से याद हैं, तो आप मॉडरेट क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। आई एम श्योर आप मॉडरेट क्वेश्चन भी बहुत आसानी से कर लेंगे, राइट। आइडल जो टाइम मुझे चाहिए, मुझे लगता है कि कम से कम आपको जब भी आपका पेपर है एनडीए का तो 5 से 6 महीने का टाइम, दैट इज व्हाट आई थिंक इज द आइडल टाइम कि आपको देना ही चाहिए टू प्रिपेयर फॉर एनडीए, राइट। इतना टाइम देंगे और पूरे सिलेबस को एक मिनिमम बेसिक लेवल तक प्रिपेयर करेंगे। मिनिमम बेसिक लेवल मतलब कि आपको प्रीवियस ईयर आपने क्वेश्चंस कर रखे हैं और बेसिक बुक, बहुत ही बेसिक बीट, एनसीईआरटी बीट, आरडी शर्मा बीट, जो हमारे पास बुक आती है आर एस अग्रवाल की, उतना भी कर लेंगे। उसमें से सारे क्वेश्चंस करने की भी जरूरत नहीं है, एक सिलेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे तो उतना से भी हम, मुझे लगता है कि हमारा जो काम है वो चल जाएगा, हमारे को बहुत आसानी से हम कट ऑफ, तो क्या हम कट ऑफ से बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, डोंट फोकस ऑन फ्यू चैप्टर्स एंड फोकसिंग एंड कवरिंग दोस फ्यू चैप्टर्स एट अ वेरी हाई लेवल, रादर देन गो फॉर द एंटायर सिलेबस, और पूरे के पूरे सिलेबस को एक बेसिक लेवल पे तैयार कीजिए, राइट। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपकी तैयारी जो है अगले एनडीए 2021 की तैयारी अच्छी चल रही होगी, और जिन्होंने इस साल दिया है आई होप उनका पेपर अच्छा हुआ होगा और उनकी एसएसबी की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।